सबसे पहले मैं आपको हैप्पी मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. सर आप कैसे क्रिसमस मनाने वाले हो बताना चाहोगे? देखिए मैं तो मानती हूँ जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो खास तब बनते हैं जब आपके फ्रेंड्स हो फैमिली हो आसपास. तो बस वही प्लान है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. और आज भी मैं अपनी डॉटर के साथ आई हूँ. उनको बहुत शौक है ऐसे थोड़े मतलब सेलिब्रेशंस में आने का साथ में. सो आई एम विद हर. तो आज की शाम बहुत खास होने वाली है. मैं जानना चाहूंगा भाभी जी के घर पे सब किस तरह से क्रिसमस मनाने वाले हैं. आइडिया हमारे घर पे तो अम्मा जी हमारी सेंटा क्लॉज हैं. तो अम्मा जी बन जाएंगी सेंटा क्लॉज और हम जो हैं उनके साथ. वो हमको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देंगे. The gingerbread house? Yeah. The gingerbread house, it is made with the biscuits, which is made of a ginger flavor. And that is, my team has done overnight. They have stayed there for overnight and they've made the gingerbread house. Oh my God. And we have a lot of goodies inside at the same time. And lighting of the tree is something, it's a beginning of the festivity. So it's in happiness, joy, everything comes up. Shubhangi, would you like to share something about your childhood memories with Christmas? School ki baatein ya phir koi aisi baatein? Nahi, of course. सारे ही फेस्टिवल्स. और एक चीज़ हम बहुत अच्छी है हमारे देश में कि हम सारे फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से मनाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कोई एक दिवाली है या हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं. आजकल तो हैलोवीन भी बहुत उससे जोश खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं. तो मुझे एक्चुअली और जो दिसंबर मंथ है पूरा ये एवरी वन नोज की ये सेलिब्रेशन और फेस्टिवल टाइम होता है. इस वक्त बस पार्टी करते रहो. तो बचपन की मेमोरी जो मुझे याद है वो यही है कि मैं सॉक्स में अपनी विशेज डाल के हमेशा क्योंकि आई कीप ऑन आस्किंग फ्रॉम यूनिवर्स यू नो गिव मी दिस. सो आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. सो आई ऑलवेज आस्क. तो सैंटा मेरी सुन रही है. Because it's Christmas, so red and white is the theme. So yes, and that one I'm directly shoot se aa rahi hu, to aap dekh sakte hain ki sindoor sab hai. So, but yes, I'm very happy and looking forward. जाते जाते हमारे दर्शकों को नए साल की शुरुआत भी होने वाली है. हाँ जी, क्रिसमस भी है. आप दोनों से एक एक विश मांगो. ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज शुभांगी आत्रे और आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. भाभी जी घर पे है, देखते रहिए और हंसते रहिए. मैरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.